गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं सीनियर मास्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन, इंटरनेशनल कोच, इंटरनेशनल जज एंड रेफरी, फाउंडर, प्रेसिडेंट एंड टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी ऑल ब्रांचेस। आज पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी की 4th एनिवर्सरी है, जिसके मौके पर हमारे बीच में बैठे गेस्ट ऑफ ऑनर्स जनाब अफजलुद्दीन साहब, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना CPC, और श्वेता मैडम, जनरल सेक्रेटरी बेसबॉल तेलंगाना बेसबॉल एसोसिएशन, और मोहम्मद तस्कीन साहब, सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज चेयरमैन, एज वेल एज सैयद अजहरुद्दीन साहब, चेयरमैन ग्लोरी जूनियर कॉलेज एंड डिग्री कॉलेज। और इनके साथ साथ हमारे बीच में ख्वाजा सईदुद्दीन साहब भी मौजूद है, जो ग्रीन क्रॉस सोसाइटी तेलंगाना ग्रीन क्रॉस सोसाइटी के फाउंडर हैं, वो भी मौजूद हैं। तो मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, इन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त इस पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी की एनिवर्सरी के मौके पर हमें दिया है। आज हमारे यहाँ जमा होने का मकसद यही है कि ये जो नन्हे मुन्ने बच्चों को हमने जो प्लेटफॉर्म दिया है, जो कराटे, किकबॉक्सिंग, थाई बॉक्सिंग, MMA, मुआ थाई में दी बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल और एशियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया है और अपना लोहा मनाया है। तो आज पाको मार्शल आर्ट के हैदराबाद सिकंदराबाद में 3 ब्रांचेस है, जिसमें मोर देन 700 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एवरीडे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब भी कोई इवेंट होता है, तेलंगाना से जब भी टीम जाती है, तो सबसे ज़्यादा मेडल पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी अचीव करती है। इसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे साथ में इन होनहार बच्चों के पेरेंट्स का ताउन है, जो हर हमेशा बच्चों को कंपटीशन में भेजते हैं और कंपटीशन में जाने के लिए बच्चों को अलाउ करते हैं, फिज़िकली, मेंटली और फिनंशियली सपोर्ट करते हैं। तो मैं पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी के ऑल ब्रांचेस का फाउंडर, प्रेसिडेंट और टेक्निकल डायरेक्टर हूं। इन बिहाफ ऑफ पाको मार्शल आर्ट मैं इन तमाम पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूं, जो अपने बच्चों को रेगुलर प्रैक्टिस को भेजते हैं, जो प्रैक्टिस के लिए बच्चों को लेकर आते हैं, जो प्रैक्टिस के लिए बच्चों के लिए एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा इंतज़ार करते हैं, बाहर बैठते हैं। उन सब पेरेंट्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज ये बच्चे स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल खेल रहे हैं। मेरा मकसद तेलंगाना, हैदराबाद, इंडिया नहीं, बल्कि मेरा टारगेट ओलंपिक है। मेरी ये ख्वाहिश है कि तेलंगाना के बच्चे ओलंपिक का हिस्सा बने, हैदराबाद के बच्चे, पाको के बच्चे ओलंपिक में परफॉर्म करें। इंटरनेशनल में कई कंट्रीज़ में पाको के बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके हैं और गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुके हैं। साथ साथ मेरा पाको मार्शल आर्ट और उसके साथ साथ जो जुड़ाव है एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी, सेल्फ डिफेंस का रुझान हमारा गर्ल्स की हद तक है। जो गर्ल्स हमारे पास प्रैक्टिस कर रही हैं, जिनमें से कई बच्ची हैं जो बेहतरीन परफॉर्मर की वजह से आज बेस्ट ऑफ द बेस्ट चैम्पियन का अवार्ड जीत चुकी हैं, जिन्होंने कई स्टेट्स में, नेशनल में, इंटरनेशनल में बेहतरीन परफॉर्म किया है। तो हमारा मकसद बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना और ख़ुद मुख्तार बनाना, आने वाले दिनों में जैसी भी सूरत हाल हो उसका सामना करने के लिए हमारे बच्चियाँ तैयार है, पाको मार्शल आर्ट अकेडमी की बच्चियाँ तैयार है। तो मैं उन पेरेंट्स से भी गुजारिश करता हूँ कि जो सोचते हैं कि गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस नहीं है, लेकिन पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस अकेडमी में 5 to 6 इवनिंग और 8:30 to 9:30 मॉर्निंग में गर्ल्स के सेपरेट क्लासेस है, जिसमें गर्ल्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनर है। तो इसका फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों को एक अच्छी सेहत के साथ साथ क्रेडेंशियल में अच्छे सर्टिफिकेट्स भी, जो ओलंपिक्स गेम है वो गेम्स हम सिखा रहे हैं, आने वाले दिनों में इनके लिए अच्छे रोज़गार के, अच्छी कंट्री में जॉब के मौके भी उससे मिलते हैं। तो उसके साथ साथ हेल्थ के भी इश्यूज़ नहीं आते हैं। जो बच्चा रेगुलर एक्सरसाइज करता है, रेगुलर प्रैक्टिस में होता है,
वो हमेशा सेहतमंद होता है। हॉस्पिटल जाने से बेहतर है कि आप प्रैक्टिस करें रेगुलर। और मैं इसी के साथ साथ मैं हमारे मीडिया के नुमाइंदे जो हमारे बीच में मौजूद है, जो मेरे ख़ास दोस्त हैं हैदर भाई एंड टीम, उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि अपना इतना कीमती वक्त इस पाको के लिए दिया है। पाको के हर प्रोग्राम में हैदर भाई और एंड टीम हमेशा मौजूद रहती है शाना बशाना हमारी हेल्प करने के लिए। तो मैं तमाम मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमारे डाइस पे बैठे तमाम गेस्ट ऑफ ऑनर्स का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पर थे, और तमाम पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ कि वो आप यहाँ पर आए और अपना कीमती वक्त दिए। और इंशाल्लाह यहाँ के पेरेंट्स इंशाल्लाह एक दिन खुश होंगे कि उनके बच्चे जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो दुनिया के हर कंट्री में खेलेंगे। और अब आने वाले दिनों में हमारी टीम जा रही है इंशाल्लाह दो कंट्री जा रही है, एक जो कनाडा का सिलेक्शन हुआ है जिसमें सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप है, केंजेटो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप है, उसमें हमारी टीम जा रही है। उसके अलावा अमेरिका में इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप है, उसमें हमारी टीम जा रही है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इन पाको के बच्चों के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ मैं अपना ये जो प्रोग्राम है उसका अख्तिताम करता हूँ। इसके साथ साथ में हमारे बीच में बैठे जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स है उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि कुछ एक 15 सेकंड के लिए अपने बाइट्स दें ताकि पाको का प्रोग्राम का अख्तिताम हो जाए। शुक्रिया जी। कितने बच्चों को हाँ अवार्ड दिए? आज 36 बच्चों को हम लोग अवार्ड दिए। वो 36 बच्चों में मेन जुमला पाको में मॉर्निंग और इवनिंग के बैच के हिसाब से 240 स्ट्रेंथ है, जिसमें से 32 बच्चों का सिलेक्शन हुआ जो अपने अपने जो परफॉर्मेंस पे, कुछ बच्चे कराटे में बेस्ट है, कुछ बच्चे किकबॉक्सिंग में बेस्ट है, कुछ बच्चे थाई बॉक्सिंग में बेस्ट है। तो ये लोग इनका पूरा साल का हम लोग इवेल्यूएट करते हैं, इनके कितने गोल्ड मेडल लिए हैं, कितने सिल्वर लिए हैं, कितने ब्रॉन्ज लिए हैं, और कितने डिस्ट्रिक्ट खेले हैं, नेशनल स्टेट खेले, नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले और एशियन के, उस हिसाब से हम लोग इवेल्यूएशन करके उस बेसिस पे बच्चों के परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको अवार्ड्स देते हैं। हम लोग पाको मार्शल आर्ट की तरफ से एक नया अवार्ड हमारे पास इनेकाद में आया है। बच्चे तो हमेशा मेडल्स स्कोर करते हैं, लेकिन जो जिनके पीछे जिनका हाथ होता है, जिनका सपोर्ट होता है, वो है पेरेंट्स। तो पाको मार्शल आर्ट की तरफ से आज जो बेस्ट 32 बच्चे थे उनके बेस्ट 32 पेरेंट्स को भी हम बेस्ट पेरेंट का अवार्ड दे चुके हैं, जिसकी वजह से आज ये बच्चे इतने काबिल बन चुके हैं। उसकी कामयाबी का राज उनके वालिदैन की खिदमत, फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली सपोर्ट की वजह से आज ये बच्चे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल और एशियन खेल चुके हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। एक जो मलकपेट बिसाइड टॉपिन टोन में है, और दूसरा सरूनगर रोड नंबर 1 वेंकटेश्वर कॉलोनी में है, तीसरा बारकस में है। तो हम लोग की यही कोशिश है कि मैक्सिमम हम हमारे पास से बच्चे फ़ायदा उठाएं। और स्पेशली हमारी एकेडमी की एक खासियत है जो बारहा मैं बोलते रहता हूं कि ऑर्फन्स जो यतीम बच्चे हैं वो लोग के साथ हम लोग काफ़ी हमदर्दी का एहसार करते हैं और उनके साथ फ़ीस वगैरह भी नहीं लेते, और जो हाफिज़े कुरान हैं उनके लिए भी हम लोग फ़ीस में कंसेशन करके रखे हैं। तो ये बच्चे आज का कल आने वाले इंडिया का मुस्तकबिल बन सकते हैं, इसलिए हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। श्वेता, जनरल सेक्रेटरी बेसबॉल एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना और जॉइंट सेक्रेटरी एमएचए बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की, मैं पाको इंडिया से इफ्तिकार से पिछले 4 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और हर साल देखते देखते इफ्तिकार बहुत ही ऊपर चढ़ रहा है। आप लोगों ने इनके मेहनत को यहाँ प्रेस के थ्रू, प्रेस की नज़रों से देखा है, मैं एक बहन की तरह से देखती हूँ किस तरह से गर्मी में, बारिश में वो परेशान होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास भागते हैं, ओलंपिक में भागते हैं, और इनके पास जगह की भी कमी है। इन्हीं के पास नहीं, हम सारे फेडरेशंस के पास, एसोसिएशंस के पास कमी है। आप काइंडली, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से ये बातें उठाए, और जो जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं जैसे कि इफ्तिकार, इन लोगों को, इनको सपोर्ट करे गवर्नमेंट। बच्चे भी इतने गरीब हैं जिनको ये फ्री में ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी गवाह मैं हूँ। तो काइंडली आप लोग जो है गवर्नमेंट से थोड़ा और पर्सनल लेवल पे भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारे स्टेट के गरीब बच्चे ऊपर उठ चुके और ऊपर उठकर थोड़ा सा अपने समाज को
कुछ दे सके। इफ्तिखार का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, इनकी मेहनत को सलाम करती हूँ, थैंक यू। मार्शल एकेडमी के सरबरा जनाब सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब की सदारत में आज 34 सालाना तकरीब का एहतमाम किया गया है, ये हमारे लिए बायस तमानियत और बायस सद इफ्तिखार है। और एक बात ये जहन नशीन करना चाहता हूँ कि जनाब सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब, जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि जो है जो यतीम यसीर लड़के लड़कियाँ हैं उनकी मैं फीस नहीं लूँगा, और जो हाफिज़ कुरान हैं उनसे भी जो है उनकी फीस में जो कंसेशन करूँगा, रियायत दूँगा। माशाल्लाह, आपका बहुत आपके स्टेटस को हम सलाम करते हैं। आज की इस तकरीब में जनाब मोहम्मद तस्किन साहब जो हमारे शहर हैदराबाद की तहजीब तमद्दुन के नुमाइंदे मुकम्मल हैं, माशाल्लाह वो एक अरसे दराज से हमारे शहर हैदराबाद के आर्टिस्टों को हौसला अफजाई करने में बहुत ही अहम रोल अदा कर रहे हैं, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। और साथ ही साथ मैं रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वो क्योंकि जनाब सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब बन मुठ्ठी लाखी खोले तो खाकी, ये जो इनका हिसाब है, पर आज तक मैंने देखा कि वो कैसा करते क्या करते, उन्होंने जानते हैं ऊपर अल्लाह ताला जानता, मगर कामयाब तरीन बनाते हर प्रोग्राम को माशाल्लाह। तो मैं रियासती हुकूमत से क्योंकि एक स्पोर्टिंग स्पिरिट का जज्बा रखते हैं, रियासती और मरकजी हुकूमत को चाहिए कि इनकी खातिर खा इनकी माली मदद करते हुए इनको इनकी हौसला अफजाई करें, ये जो है मेरा एक देरीना हुकूमत से मुतालबा था है और मुस्तकबिल में भी रहेगा। तो गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद तस्किन, नेशनल प्रेसिडेंट UCID फाउंडेशन और सहारा ग्रुप से, पहले तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं सारे मीडिया चैनल्स का जो माशाल्लाह छुपी हुई खबरें आपको बैठे जगह बताते हैं और सारी आवाम तक और ऑफिशियल तक पहुँचाते हैं। और दूसरा शुक्रगुजार हूँ मैं तमाम टीम का जो गेस्ट ऑफ ऑनर में है, और सबसे स्पेशल थैंक्स है हमारे इफ्तिखार साहब का जो माशाल्लाह इस तरीके के प्रोग्राम इकट्ठा करते हैं और मीडिया भाइयों को लेकर चलते हैं सबको, क्योंकि मीडिया ऐसा पावर है पूरी मार्केट में, सभी को पता है, क्योंकि घर बैठकर आपको सारी खबरें मिल जाती है छुपी हुई, ताकि इनको भी सपोर्ट करना चाहिए। और इन्हीं के साथ ही साथ जो जितने भी खवातीन हैं, मर्द हजरात हैं जो अपने इंस्टीट्यूट से राब्ता करना चाहते हैं, तो इफ्तिखार साहब को राब्ता करिए, क्योंकि ये जो ऐसा टैलेंट है, हर इंसान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई सब एक है, एकता में रहनी चाहिए और यहाँ से फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये पावर ऐसा है, क्योंकि हर इंसान को ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि सब एक दूसरे से इकट्ठा रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद। भाई सर आप इधर आइए, जस्ट वांट टू लाइक माय जनरल टॉकिंग स्टाइल वुड बी मोर ऑफ एन इंटरएक्टिव वन, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज कराटे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कराटे, यू आर डूइंग सम कराटे स्टाइल, यस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कराटे, हु विल आंसर। Karate means empty hands. Okay? Karate means empty hands. So your fighting style is an empty hand fighting style. We should be ready to fight any adversary. It might be with a stick, it might be with a nunchuck, it might be with a sword. We should be able to face it with our bare hands. That is the meaning of karate. We have to do with martial arts. Martial arts itself is an inherent thing. We everyone must know it, the Darwin theory of what to say evolution, where the fittest survives.
हियर इन दिस मार्शल आर्ट्स यू आर द फिटेस्ट वन, यू विल सर्वाइव द बेस्ट। इसीलिए आपको मार्शल आर्ट सिखाते हैं, आपका जो भी एनर्जी है एक चैनल रहे, एक चैनल, ताकि यू कैन प्रोड्यूस दिस एनर्जी एंड यू कैन चैनलाइज। इतना भी एक्सेस एनर्जी है स्टूडेंट्स के पास, बहुत ज़्यादा एनर्जी होते हैं, यू शुड चैनलाइज दिस एनर्जी सो दैट आपका जो भी एनर्जी के ऊपर कंट्रोल, बॉडी के ऊपर कंट्रोल, सब कुछ होना चाहिए। तो इसीलिए आपको मार्शल आर्ट सिखाते हैं। तो मार्शल आर्ट सिखाने का मतलब ये नहीं कि हम मार्शल आर्ट सीख लिया जाके तीन चार लोग को मारना, ये नहीं होता। मार्शल आर्ट सीखना माने मार्शल आर्ट इज ए वे ऑफ लव। हम भी कराटे किया, हम भी बॉक्सिंग किया, जितना बॉक्सिंग रिंग के और जितना हमारा शियाई का जो भी डोजो के ऊपर हम जितना फाइटिंग करते उतना बाहर इतना प्यार करना होता। हम लोग वी शुड नो हाउ टू कंट्रोल, हमारा जितना एनर्जी है उसको कैसे कंट्रोल करना, कहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ करना, कहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे यूज़ नहीं करना। उसी पावर को जो पंच पे तुम पैक करते हो या किक पे पैक करते हो, उसी पावर को आप लव पे कन्वर्ट करना होता है बाहर। दिस इज़ वॉट यू लर्न इन कराटे, दिस इज पार्ट ऑफ मेडिटेशन। आपका एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना, ये सारे सीखना होते हैं। एंड ये कराटे क्या सिखाते, कराटे या मार्शल आर्ट्स क्या सिखाते हैं, आपको कोई भी सिचुएशन पे खुद के ऊपर भरोसा रखना है, किसी और के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर भरोसा रखना है, खुद फेस करना होता है एडवर्सरी को। ये आप सीख रहे हो कराटे में, ये सीख के मार्शल आर्ट्स में ये सीख रहे हैं कि मैं खुद के ऊपर बिलीव करता हूँ, खुद अपने आप को बचा सकता हूँ, खुद बाकी लोगों को बचा सकता हूँ। दिस इज वॉट यू इम्बाइब इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम या सेल्फ बिलीफ। मैं हूँ एंड आई एम द वन हु कैन चेंज, ब्रिंग चेंज, आई एम द वन हु कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ। मैं हूँ, मैं खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और बाकी लोगों को भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, बाकी लोगों को प्यार कर सकता हूँ, बाकी लोगों का देखभाल कर सकता हूँ। ये सारी मिलके आपका ये करा मार्शल आर्ट सिखाते हैं। यही अपना जो भी आपका उस्ताद जो भी है और ट्रेनर है, यही सिखाते हैं आपको कि कितना भी गुस्सा रहे रिंग पे उतना ही प्यार बाहर हो। बट रिंग पे गुस्सा इसीलिए कि क्योंकि तो आपको बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट बनाना है के लिए। आई नो आपके लिए बहुत लेट आए हैं बिकॉज मेरा भी कोई मीटिंग था, मीटिंग के होके ही जैसे मैं निकल गया तो हमारा जो एस आई साहब है बोला कि सर नहीं आना ही है आपको, आपका जो भी ट्रेनर साहब है बोला कि नहीं सर आना ही आना। तो अभी भी मेरा टेलीकॉन्फ्रेंस का टाइम हो रहा है, मेरे को निकलने का है, बट आई वॉन्टेड टू इंटरेक्ट विथ यू, आई वॉन्टेड टू टेल यू दिस थिंग्स कि आपको लगता है कि क्या कर रहे हैं, लाइक कि टाइल्स ब्रेक करने से क्या होते हैं, या हम टाइल्स ब्रेक करेंगे तो बाकी का नाक भी तोड़ देंगे, वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज मार्शल आर्ट्स, वी आर हियर टू चैनलाइज आवर एनर्जी, वी आर हियर टू स्प्रेड लव एंड अफेक्शन। जितना हम रिंग पे गुस्सा कर सकते हैं, जितना हम बाहर जो अनसोशल एलिमेंट्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स के गुस्सा कर जवाब देंगे, उतना ही इक्वल अमाउंट पे हम सबको प्यार बांट लेंगे और प्यार का माहौल बनाएंगे और अच्छा कंट्री बनाएंगे, ताकि सभी लोग हैप्पी हैप्पीली रहे और सभी लोग हैप्पी हैप्पीली अपना जो भी एम्बिशन है अचीव कर पाए, ठीक है। सारी आपको सीखना है और बाकी लोगों को सिखाना है। इज वन थिंग यू शुड टीच अदर्स थ्रू योर मार्शल आर्ट्स, यू शुड टीच अदर्स, यू शुड टीच योर कंपेटिटर्स। अपना कॉलेज क्लास का दोस्त या कॉलेज का दोस्त या अपने मोहल्ले का दोस्त, अपने घर के बगल वाले, आपको